देखिए, हथनीकुंड बैराज से हजारों क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है। फिलहाल मौजूदा हालात क्या बने हुए हैं, इस वक्त बोट क्लब के पास हम लोग मौजूद हैं और हमारे साथ बोट क्लब इंचार्ज हरीश कुमार जी हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सर, जिस तरीके से हथनीकुंड बैराज में पानी छोड़ा गया है, दिल्ली में उसका असर हमें देखने को मिल रहा है, वाटर लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बोट क्लब पर जहाँ हम लोग हैं यहाँ पर क्या है हालात? हालात अभी तो स्थिति अंडर कंट्रोल है और जिस तरह पानी छोड़ा गया है कल सुबह में 2 लाख क्यूसेक के आसपास, वो आज शाम तक दिल्ली पहुंचने की संभावना है। और डीएमई साहब की तरफ से पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं, पूरी यमुना में 24 मोटर बोट लगा दी गई हैं और 17 बोट अभी स्टैंड बाई हमने रखी है। जिस तरीके से बताया गया है, जानकारी दी गई है कि 203 के आसपास जो है वो फिलहाल मीटर बना हुआ है और ये बढ़कर 205 मीटर तक पहुंच सकता है। जी जी, तो अभी आपको क्या ऐसे आसार नजर आ रहे हैं? हाँ, पानी बढ़ने की दोपहर बाद संभावना है। हाँ। जो कि बढ़ेगा 205 से ऊपर ही जाने की संभावना अभी जो फोरकास्ट है उसके अनुसार, और उसके बाद में फिर डाउन होने की संभावना है। वैसे डीएमई साहब की तरफ से पूरे अरेंजमेंट है। हाँ। क्या कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लोग ले रहे हैं? देखिए, हमने पूरी दिल्ली में यमुना को कवर किया हुआ, 24 मोटर बोट यमुना में लगाई गई है जो निगरानी कर रहे हैं 24 आवर्स। और हम लोग माइक से भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं, यमुना में खादर में रहने वाले लोगों को सभी को सूचित कर रहे हैं, कल से हम लोग अनाउंसमेंट करा रहे हैं, कोई भी मतलब ऐसी घटना होने वाली नहीं है। जी जी, हम देख रहे हैं सर वक्त वक्त पर कई सारे जो बोट चालक हैं, सर कुछ वक्त वक्त पर हम देख रहे हैं जो बोट चालक हैं वो लगातार ये रस्सियों को एडजस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा। इसलिए क्योंकि जल से लगातार बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में एडजस्ट करना पड़ रहा है, इसी की वजह से हम लोग जो है इसको रस्सियों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको एक बार दिखा दे रहे हैं, कुछ कुछ देर में वक्त वक्त पर कुछ इस तरीके से रस्सियों को जो कि बोट के साथ अटैच हैं, जहां पर बोट्स खड़ी की गई हैं, उनको बांध के दोबारा से वाटर लेवल क्योंकि बढ़ता जा रहा है तो ऐसे में एडजस्ट करना पड़ रहा है। जिस तेजी से वाटर लेवल बढ़ रहा है उसे देखते हुए ये जो एडजस्टमेंट है और ये जो रस्सी को कसने का काम हो रहा है ये करीबन आधे आधे घंटे के बीच में हो रहा है। समझ सकते हैं आप कि कितना ज्यादा पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और जैसा कि अधिकारी ने भी बताया कि शाम तक जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंच सकता है, जिस वजह से उन्होंने चेतावनी जारी कर दी है और कई सारी बोट्स जो हैं वो यमुना में राउंड्स पर निकली हुई। आपको दिखा देते हैं तस्वीरें, मेरे पीछे इस वक्त बोट आती हुई नजर आ रही है। देखिए तस्वीरों में आपको एक बोट नजर आ रही है जिसमें कई सारे डाइवर्स भी मौजूद हैं, कई सारे जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं जो निगरानी बनाए रखे हुए हैं कि कोई व्यक्ति मुसीबत में ना हो, कोई व्यक्ति यमुना के जलस्तर में पानी के अंदर ना आ गया हो, जिसकी जान खतरे में हो तो उसे बचाने का भी यहाँ पर जो काम है वो किया जा रहा है। जाहिर तौर पर प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां भी की जा रही हैं और सभी प्रिकॉशंस भी लिए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अजादिका सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली।